जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही लोकसभा प्रत्याशी राजधानी दिल्ली में अपनी चुनाव प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जगह जगह मीटिंगों का आयोजन कर लोकसभा प्रत्याशी अपने लिए क्षेत्र के लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हाथ मजबूत कराने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी भी जगह जगह पद यात्राएँ कर और मीटिंगों का आयोजन कर क्षेत्र की जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी मनोज तिवारी ने एक सामाजिक बैठक को संबोधित किया। क्षेत्र की जनता और क्षेत्रीय निगम पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता ने प्रत्याशी मनोज तिवारी का फूलमाला और शॉल पहनाकर भव्य स्वागत भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्याशी मनोज तिवारी का भव्य स्वागत हो रहा है। साथ ही क्षेत्र की जनता ने प्रत्याशी मनोज तिवारी को पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया। प्रत्याशी मनोज तिवारी ने हाथ जोड़कर क्षेत्र की जनता से माननीय प्रधानमंत्री को आगे बढ़ाने और उनके हाथ मजबूत करने के लिए क्षेत्र के लोगों से वोटों की अपील की, ताकि इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री को आगे बढ़ाया जा सके। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी और आयोजक निगम पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता व अन्य लोगों का, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी बीजेपी ओम नमः पार्वती पते हर हर। इतनी बात कहके पहले कोई चुनाव नहीं हुआ। पहले के चुनाव में आप अगर हो सकता है कोई इधर उधर रह गया होगा चुनाव के दिन तो भी काम चल गया होगा, लेकिन एक बड़ी देश विरोधी ताकत उसके पीछे खड़ी है और ये लड़ाई देश से प्यार करने वाले और देश को तोड़ने की साजिश रचने वालों के बीच में हो रहा है। इसलिए अगर किसी का वोट रह गया तो समझ लो आने वाली जो हमारी संतानें हैं वो हमको क्या कहेंगी। जिनको देश से है नफरत, सेना के ड्रेस से है नफरत, उन सब की इस चुनाव में पहचान जरूरी है। और बच्चों के भविष्य के लिए कमल निशान जरूरी है। बच्चों के भविष्य के लिए कमल का निशान जरूरी है। इतनी बात है। और हम किसी के शत्रु नहीं है। देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और मैं समझता हूँ कि घोंडा में भी आज जो लोगों का भाव था बहुत ही शानदार रहा और हम इन्हीं लोगों के भरोसे ये चुनाव फिर एक बार हम जीत करके नरेंद्र मोदी जी को 400 कमल में से एक कमल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का देंगे, ऐसा हमें विश्वास हो रहा है। घोंडा में जिस तरीके जनसभा दिख रहा है आपको, क्या लगता है कि समर्थन किस तरीके का होगा यहाँ? देखिए, मैं एक चीज देख रहा था कि काफी कुर्सियां लगी थी तो थोड़ी सी शुरू में कुछ खाली थी, लेकिन जैसे ही हम आए वो सारी कुर्सियां भी भर गई, लोग भी खड़े हो गए और इसको कहते हैं जन समर्थन। लोगों ने आया दिखाया कि मनोज तिवारी तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है और पीछे से आवाज आई है कि ये चुनाव देश को प्यार करने वाले, सबका साथ सबका विकास करने वाले वर्सेज
देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों की सोच के बीच है, घर घर से आतंकवादी रूपी अफजल निकालने के पीछे है। और ये क्षेत्र पीछे से भी नारा आ रहा था कि हम उनको ठिकाने लगा देंगे, बीजेपी जीतेगी, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ये देश आगे बढ़ेगा। आज एक चीज सामने आई है कि कांग्रेस में भी दो फाड़ हो गए हैं, एक नई कांग्रेस सीधा कांग्रेस बनने वाली है, उस पर क्या कहेंगे? मैंने थोड़ी सी सुगबुगाहट सुनी है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस अब कम्युनिस्ट हो गई है, अगर कांग्रेस में कोई दूसरा पार्टी खड़ा होता है तो दिल्ली में तो कम से कम मेन कांग्रेस खत्म हो जाएगी, शायद वही रह जाए। आपको इससे फायदा होने वाला है बीजेपी को 700 सीटों पे? हम फायदा नुकसान क्या देखें, नरेंद्र मोदी जी को तो सभी लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें इतना जरूर है कि राहुल गांधी को और उनके परिवार को ये एक बड़ा झटका होगा। शायद अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफा में यही निकल रहा हो। हम तो भैया अपनी जानते हैं, अपनी कहते हैं और अपनी प्रार्थना से नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं कि वो उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे और साथ साथ मुझे भी लोग जिताएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज आपके लिए एक विशेष कमेंट था कि यहाँ के निगम पार्षद के पति के घर नहीं, हम एक एक्टर के घर आए हैं और बहुत बड़ा जनसलाब यहाँ पे, कैसे देखते हैं आप? मुझे बहुत खुशी होती है जब वो कभी कभी मुझे इस प्रकार से एक बड़ा सुपरस्टार नेता, क्योंकि कुछ भी नहीं उनके सामने, तो जब मेरी तारीफ करते मुझे बहुत खुशी होती है। और यहाँ जो आज आपने जनसभा देखी सर्व समाज की, ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि हम सब लोग जो हमारे यहाँ गोंडा क्षेत्र की जनता बहुत प्रेम करती है मनोज तिवारी जी से, सदैव आशीर्वाद बना के रखते हैं मनोज तिवारी जी पे। जैसे कि आपने देखा प्रीति जी के चुनाव में भी पूरे जनता का सभी का पूरा आशीर्वाद रहा है। पर यहाँ जिस प्रकार से आपको मालूम है एक ऐसे व्यक्ति को अपोजिशन के द्वारा टिकट दे दिया गया है जो कहीं ना कहीं भारत के जो विरुद्ध जो ताकतें हैं, जो भारत देश के खिलाफ ताकतें हैं, जो टुकड़े टुकड़े कराने की बातें करती हैं, जिन्हें आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से भी जानते हैं, उनके एक ऐसे व्यक्ति को जो मुखिया है उस गैंग का, उसको टिकट दे दिया गया। देखिए हार जीत का यहाँ प्रश्न नहीं है, यहाँ तो अब यह प्रश्न है कितने लाख वोटों से यहाँ मनोज तिवारी जी की जीत होती है। क्योंकि एक तरफ एक इस प्रकार का विकास पुरुष जो कि आप देख रहे हैं, ट्रिपल स्टोरी फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो की तेज गति बढ़ा दी गई है, हाईवेज बन रहे हैं, पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, गैस की पाइपलाइन गोंडा जैसे क्षेत्र में जहां कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि गैस की पाइपलाइन डल सकती है, यहां गैस की पाइपलाइन का 40% काम हो चुका है और इतना जबरदस्त तरीके का डेवलपमेंट, हमें पूर्ण विश्वास है तीसरी बार मनोज तिवारी जी की 100% जीत सुनिश्चित है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार 400+ सीट के साथ, ताकत के साथ में नरेंद्र मोदी जी की हमारे भाजपा की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और अब की बार वो निर्णय होंगे जो देश को ऊंचाइयों पे एक बहुत शीर्ष पे पहुंचाने का कार्य करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज मैंने गोंडा में जनसभा रखी गई सर्व समाज की, आज ये बैठक उद्देश्य की अपनी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को जिताना और बड़ी संख्या के तहत में सबको तेज दिल से मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज इस जनसभा को सफल बनाया और मनोज तिवारी जी को हम ये लेके आए कि उनकी अच्छी बहुमत से इन्हें लेके आए, जिता के लेके आए। सर्व समाज की बैठक थी, समाज का हर व्यक्ति यहाँ पे था बड़ी संख्या में, तो लगता है कि इस बार जन समर्थन बढ़ेगा? हाँ बहुत बढ़ेगा जन, आपने देखा कि यहाँ सब सब समाज के सारे आए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया है और सुबह से आज मैं मेहनत कर रही हूँ, सुबह से पूरा आज पूरा गोंडाबाद आज पूरा समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। आज हमें लगता है न कि सिर्फ गोंडा पूरे दिल्ली में, क्योंकि 700 सीट हम सभी जीत करा रहे हैं एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ और मनोज तिवारी जी हैट्रिक लगा रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जैसा उनका नारा है कि अब की बार 400 पार को, हमें लगता है कि पूरे भारत के लोग बड़े उत्साह में और हर तरफ जैसे राम राज्य की बात करते हैं, प्रभु राम का भव्य मंदिर बना है और खासतौर से जमुना पार की बात करें और हमारे गोंडा वार्ड की बात करें, निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी के संयोजन में आज ये कार्यक्रम हुआ और स्पेशली मनोज तिवारी जी ने जो हमें केंद्रीय विद्यालय दिया, यहाँ एलिवेटेड रोड जो सहारनपुर तक जा रही है और साथ ही साथ अभी दो और
और केंद्रीय विद्यालय जैसे बुराड़ी में और खजूरी में आप सभी को मिलने वाला है। तो हमें लगता है ऐसे लोकप्रिय सांसद और हम्बल व्यक्ति हैं, लगातार लोगों से मिलते हैं और स्पेशली सुख दुख में हम सभी का साथ देते हैं। हम सभी माननीय विधायक अजय महावर जी का धन्यवाद देते हैं और साथ ही प्रीति गुप्ता जी और हमारे गोंडा वार्ड के सभी एक एक सम्मानित कार्यकर्ता जिनके कारण आज इतने लगभग 350 से ज्यादा लोग इतने कम समय में उपस्थित हुए और हमें लगता है हर तरफ भगवा ही भगवा छा रहा है और प्रभु राम की पूरी कृपा होगी। हर सभी का रुझान, क्योंकि जो सामने जो कैंडिडेट है वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आए हैं जो हमें, हम सभी उत्तर पूर्वी जिले में रहते हैं जहां दंगे का सबसे ज्यादा प्रकोप रहा है। और ये तो बड़ी विडंबना होगी कांग्रेस और झाड़ू वालों की कि जो टुकड़े टुकड़े की बात करता था वही प्रत्याशी बनकर आया है जो इसका मुखिया है। तो हमें लगता है एक तरफ झाड़ू और कांग्रेस ये दोनों आपस में लड़कर भिड़ेंगे और बीजेपी का एक बार पुनः फायदा होगा और एक बार पुनः हमारी हैट्रिक सरकार बनने वाली है। मैं एक जनता होने के नाते कहूंगा कि आदरणीय मनोज तिवारी जी अपने क्षेत्र से लगभग 5 लाख वोटों से प्लस जीतेंगे और जो आतंकवादी खड़ा किया है ना आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने, वो आतंकवादी है। उस आतंकवादी को गोंडा की जनता दौड़ा दौड़ा कैसे मारेगी, जैसे बिहार से मार के भगाया था ना उसी प्रकार से भगाएगी और उसको यहाँ से वोट नहीं मिलेगा और जो उसको वोट देगा वो खुद आतंकवादी होगा। तो मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता सिर्फ अपने देश की उन्नति के लिए, अपने सर्व समाज को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दें और अपने देश का विकास करें, यही कहना चाहता हूँ। छोटा चुनाव नहीं है, हमारे देश की इज्जत का चुनाव है, क्योंकि एक नरेंद्र मोदी जी चौकीदार जो हमने चुने हैं, अगर वो चौकीदार ना करे ना तो ये यूक्रेन बन जाए हिंदुस्तान यूक्रेन। देख रहे क्या हाल हो रहा है, जमीन जायदाद पैसा छोड़कर लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। अगर हमारे देश की सीमाओं पर नौजवान नरेंद्र मोदी की देह नहीं हो वो चौकीदार कर रहे हैं जो हम आज पैर फैला के खुले सो रहे हैं। ये चुनाव जनता के हित के लिए है, देश के लिए है और नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता क्योंकि वो अवतार है। देखिए मनोज तिवारी जी तो उनके सिपाही हैं, ये तो जीतेंगे, ये जीतेंगे तो प्रधानमंत्री आम बनी है वो, और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये भारत पहले नंबर पर आएगा, ये लिख लो मेरी बात, ये सेना की आवाज है और ये बुलंद आवाज है। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9212329209114781212। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।